ज्योति मांझी और आरक्षक ताराचंद जाटव को एसपी संतोष सिंह गौर ने बर्खास्त कर दिया है। निलंबित एसआई जय नलवाया की जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जा रही है। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी एसआई जय नलवाया पर डीआईजी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस वालों के साथ लोगों को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला सुनीता ठाकुर को पहले ही एक अन्य मामले में जेल पहुंचाया जा चुका है। आरोपी महिला सुनीता ठाकुर कई संगीन मामले में लिप्त है। सुनीता ठाकुर ने जो आवेदन पत्र दिया था और उसके आवेदन पत्र के अनुसार कुछ लोग पुलिस कर्मचारी और मिल करके उसका ये कहना था कि ये मेरे नाम से आवेदन पत्र लेते हैं और लोगों को फंसा करके उनसे पैसे ऐंठने या ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। वो जब आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो उसकी जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित की गई। उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध शाखा को जाँच दी गई। जाँच में आवेदिका से विस्तृत पूछताछ की गई। इसके अतिरिक्त जिन जिन लोगों के उसमें नाम आए थे उनमें से जितने उपलब्ध हो सकते थे या जो स्वेच्छा से जो कथन देना चाहते थे उन सभी के कथन अंकित किए गए। अन्य दस्तावेजी जो साक्ष्य थे वो एकत्रित की गई और जिन लोगों के खिलाफ आवेदन दिए गए थे उनको भी सुनवाई का अवसर देते हुए उनके भी कथन अंकित किए गए। एक विस्तृत जाँच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को 3 दिन पूर्व सौंपी गई। उसके पश्चात नोटिस जारी कर सभी से जवाब मांगा गया। रतलाम जिले के जावरा विधानसभा से 60 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष बालूदास बैरागी ने बताया कि वर्तमान में भाजपा अपने मार्ग से हटकर एक गलत दिशा में जा रही है और उसकी रीति नीति में भी अब वह बात नहीं रही है। सेवा दल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मिलकर रेतीपुर हनुमान मंदिर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। वहीं कांग्रेस नेता ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा से अब लोगों का मुंह भंग होने लगा है क्योंकि भाजपा के राज में बढ़ती महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला।